अखिलेश यादव ने बहराइच हिंसा को लेकर बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। बहराइच में बीजेपी विधायक के द्वारा बीजेपी के लोगों पर दर्ज हुए मुकदमे और एक रिपोर्ट सामने आने के बाद अखिलेश ने बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोला। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा कि धिक्कार है ऐसी भाजपाई राजनीति और सत्ता की भाजपाई भूख पर, जो सियासत के लिए देश के भाईचारे के बीच दंगा कराने की साजिश करती है। बहराइच हिंसा के मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं, जिससे भाजपा मुंह दिखाने लायक नहीं रही। भाजपा के विधायक ही भाजपाइयों पर साजिश करने की FIR करा रहे हैं और दंगाई छुपे कैमरे के सामने सच उगल रहे हैं। यूपी के बुलंदशहर जिले में सोमवार की रात बड़ा हादसा हो गया, जहां ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से 2 मंजिला मकान जमींदोज हो गया। मलबे में दबने से एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। 3 की हालत गंभीर है, अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। देर रात मलबे में दबे 17 लोगों को निकालने के लिए फायर ब्रिगेड और SDRF के जवान जुटे हैं। मलबे में दबे लोगों को निकाल लिया गया है। बताया जा रहा है कि मलबे में दबने से घायल हुए कुल 7 लोगों में से 1 की हालत गंभीर है। यूपी में 9 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव को लेकर नामांकन शुरू हो गया है। बीजेपी गठबंधन में रालौद और उसकी पुरानी सीट मीरापुर दी गई है। ऐसे में अब इस सीट को लेकर पार्टी में प्रत्याशियों ने जोर आजमाई शुरू कर दी है। इसमें कुछ नए और तो कुछ पुराने भी जोर लगा रहे हैं। पिछला विधानसभा चुनाव रालौद ने सपा के साथ गठबंधन में लड़ा था, जबकि इस बार वो न सिर्फ बीजेपी के साथ गठबंधन में है बल्कि केंद्र और प्रदेश की सरकार में भी शामिल है। यही वजह है कि इस बार दावेदारों की सूची भी थोड़ी लंबी है। इस पर पार्टी के शीर्ष नेता मंथन कर रहे हैं। यूपी में भाजपा का अध्यक्ष बदलने की तैयारी शुरू हो गई है। दिल्ली में हुई कार्यशाला के दौरान हाल ही में जनवरी 2025 तक सभी स्तरों पर संगठन चुनाव कराने का लक्ष्य दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने सभी प्रदेशों के चुनाव अधिकारियों और प्रदेश प्रभारियों को जिला मंडल क्षेत्र और प्रदेश स्तरीय संगठन के चुनाव की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने को कहा है। ऐसे में यूपी को जनवरी तक भाजपा का नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के इंदिरा नगर में सिल्क एक्सपो का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इन उद्योगों के लिए बजट में 40% की वृद्धि की गई है। 1 हेक्टेयर में किसानों की 1 से 2 लाख की आय हो रही है। रेशम विकास में उत्तरोत्तर सुधार हो रहे हैं। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में आज 100 से बढ़कर 700 मीट्रिक टन उत्पादन हो चुका है, लेकिन खपत 4000 मीट्रिक टन हो चुकी है। इसे और बढ़ाने की जरूरत है। चित्रकूट के करवी कोतवाली क्षेत्र में एक किसान ने एक पेड़ से लटककर अपनी जान दे दी। आपको बता दें कि छोटू खां पिछले कई दिनों से DAP खाद न मिलने से परेशान था। बीते दिन वो जिला मुख्यालय स्थित नवीन मंडी समिति में खाद लेने गया था, जहां उसकी कुछ लोगों से बहस हो गई, लेकिन उसे एक खाद नहीं मिली। इस घटना के बाद वो मानसिक तनाव में चल रहा था, जिसके बाद उसने पेड़ से लटककर खुद की जान दे दी। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मेरठ के गढ़ रोड स्थित होटल हारमनी में आधी रात पुलिस की टीम ने छापेमारी कर एक चलते कैसीनो पर कार्रवाई की है। आपको बता दें कि यहां दिल्ली और मुंबई की लड़कियां 100 टेबल लगाकर कैसीनो चला रही थी। पुलिस की छापेमारी के दौरान यहां 1.5 करोड़ क्वाइन बरामद हुए हैं। साथ ही 6 युवतियों और 15 रईस जादों को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। SSP डॉक्टर विपिन टाणा को जैसे ही सूचना मिली, उन्होंने तुरंत ही टीम का गठन किया और बड़ी कार्रवाई की। रायबरेली में बुखार में तड़प रही 5 साल की बच्ची को इलाज नहीं मिला, जिसके बाद उसने दम तोड़ दिया। जिला अस्पताल में बच्ची को एम्स के लिए रेफर किया गया था, लेकिन परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में भर्ती करने से ही मना कर दिया। परिजन बच्ची को लेकर एम्स में ही बैठे रहे। इलाज न मिलने से बच्ची की मौत हो गई। इसके बाद परिजन बच्ची का शव लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच गए। यहां SDM को परिजनों ने शिकायती पत्र दिया। SDM का कहना है कि उचित कार्रवाई की जाएगी। बहराइच के महसी के महराजगंज कस्बे से बीते रविवार को हुई हिंसा की रिपोर्ट CM योगी ने तलब की है। सूत्र बताते हैं कि इसकी रिपोर्ट जिला पुलिस और प्रशासन के स्तर से भेजी जा चुकी है। ऐसे में जल्द ही पूरी रिपोर्ट CM के सामने होगी। वहीं इस मामले में जो भी उपद्रवी हैं, उनको CCTV और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस फुटेज के आधार पर चिन्हित किया जा रहा है। प्रभावित इलाके को सुरक्षा के लिए 9 सेक्टर में बांटा गया है और पुलिस और प्रशासन के आला अफसर लगातार कैंप भी कर रहे हैं। मथुरा के मार्ट क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे पर जाबरा टोल प्लाजा पर बीती रात को मार्ट पुलिस ने चेकिंग के दौरान दिल्ली से बिहार जा रही एक लग्जरी कार को पकड़ा। इसमें 12 किलो से अधिक सोना मिला। जब उनसे पूछताछ की गई तो वो कोई दस्तावेज नहीं दिखा सके। पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है। पुलिस ने इसकी सूचना अधिकारियों को दी है। GST, सेल टैक्स सहित अन्य टीमों को जांच के लिए बुलाया गया है। मार्ट थाना प्रभारी निरीक्षक राजीव वर्मा ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।